औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? एरी से लेकर पाइसिस तक, बुर्ज हमस से लेकर बुर्ज हूद तक आपके लिए आज का ये हफ्ता कैसा रहेगा? 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक इस हफ्ते में क्या क्या इवेंट आ रहे हैं तमाम बुर्जों के हवाले से एक जायजा लेते हैं। एरिस, आपकी सोशल लाइफ बढ़ती हुई नज़र आती है, लोगों के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे, आप चाहे फैमिली में हैं, आपकी फैमिली में जो लोग जिनसे नाराज़ हैं उनसे बेहतर तल्लुकात होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए बड़े सपोर्टिव साबित हो सकते हैं, उनसे आपको बहुत मदद मिल सकती है। आप इसी तरीके से अपने ऑफिस में भी बहुत सारे कुलीग्स जिनके साथ आपके तल्लुकात ठीक नहीं है बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। बिज़नेस में भी वो क्लाइंट्स जो आपको छोड़ चुके थे और काफ़ी देर से आपके साथ नहीं साथ दे रहे थे, अचानक वो आपको वापस आ सकते हैं और आपके लिए बेहतरी का सबब बनेंगे। टॉरस वालों के लिए कि आजकल आपको सपोर्ट मिलेगी लोगों की इस हफ्ते में, आपके वालदैन अगर अच्छे तरीके से फाइनेंशियली हैं तो वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, ससुराल वाले सपोर्ट दे सकते हैं, आपको वाइफ की या फैमिली के मेम्बरान की या बच्चों की सपोर्ट जो है वो हासिल होती हुई नज़र आती है। अगर आपको बिज़नेस के लिए सरमाया चाहिए तो आपको कोई साथी दोस्त की तरफ से सरमाया मिल सकता है। अगर आपको जॉब की तलाश है तो अगर आपको इर्द गिर्द किसी की सिफारिश जो है वो आपको जान पहचान वाला वो आपको ये सिफारिश जॉब की बेहतरी कर सकते हैं, और अगर आप जॉब में तरक्की चाहते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आपको अपने सरान की हमायत हासिल होगी और आप लोगों के तावन से आप जो है अपनी प्रमोशन भी आज इस हफ्ते में कराने में कामयाब हो सकते हैं। जेमिनाई वालों के लिए सैर तफरी पर जाने का मौका मिलेगा, जो जहनी दबाव की कैफियत आप पे तारी है या एक ही यकसानियत आप पे तारी है, जमूद की कैफियत तारी है, उसके हल के लिए आप सैर तफरी और मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत का मौका मिलेगा आपको इस हफ्ते में। कैंसर वालों के लिए ये है कि आज के दिन ये आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, बहुत सारे जो ऐसे पेंडिंग काम आपके जो थे, जो ज़ेर इल्तवा काम थे, रुके हुए काम थे, जो कई दिन कई महीनों से नहीं हो रहे, इस हफ्ते में होते हुए नज़र आते हैं। आप उन कामों को तकमील पजीर करते हुए नज़र आते हैं, आपकी पूरी तवज्जो जो है अपने कामों पर रहेगी और आप उनको जो जितने पेंडिंग काम उनको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। ल्यू वालों के लिए यह है कि नाराज़ लोगों के साथ सुलह होने का इम्कान है, नाराज़ लोग जो हैं वो आपके चाहे वो अपने रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वालदैन हैं, आपकी औलाद है, आपकी बीवी है, आपके कुलीग्स हैं, आपके महल्लेदार हैं, आपके हमसाए हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, कोई भी जो लोग अफराद हैं आपके, तो आप इस हफ्ते में उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ख़ुद भी आपसे अप्रोच करके सुलह करने में कामयाब होंगे, तो ये हफ़्ता आपके लिए नाराज़गी ख़त्म करने का हफ्ता है। विर्गो वालों के लिए सेहत पे तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा आज के दिन जो है अगर आप जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या जॉब में कोई अपग्रेडिंग चाह रहे हैं तो आपको जॉब में बेहतरी क्योंकि इम्कान जो है नज़र आते हैं। बिज़नेस के मामला में ये चीज़ नज़र आ रही है कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को फैलाने के लिए अगर आपको सरमाए की ज़रूरत है तो वो आपको इस वीक में मिलता हुआ नज़र आता है। लिब्रा वालों के ये है कि आपके लोगों के साथ जो इख्तलाफात हैं उसमें कमी आ रही है, ख़ासतौर पर लाइफ पार्टनर के साथ जो घरेलू नचाकी की कैफियत पैदा हो जाती है, बाज़ मामला बिगड़ के अदालतों से चला जाता है, तो लिब्रा वालों के लिए खुशखबरी ये है कि आपकी जो है वो सुलह हो सकती है, सालसी हो सकती है, आपस में कुछ लोग जो हैं कुछ आपके चीज़ों करबा कुछ जानने वाले पढ़ के आपके मामला को बेहतर कर सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए और भी इससे सबसे बेहतर चीज़ ये कि आप अपनी जो अगर आप अपनी जाती गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, जाती कन्वेंस खरीदना चाह रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे हैं, घर की कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, घर की कोई अशिया खरीदना चाह रहे हैं, किचन की कोई आइटम्स लेना चाह रहे हैं, तो आज का दिन आपको इस बारे से बहुत बेहतर है। आज ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है, इस हफ़्ते में आप अपनी जो है वो जो भी चीज़ें खरीदना चाह रहे हो उसकी खरीदारी में कामयाब होंगे। ये हफ़्ता ख़ासतौर पर स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है वो बहुत बेहतर है कि आपको जो कर्ज जो आपके ऊपर था वो उसमें कमी आएगी। अगर आप फाइनेंशियली आप किसी वजह से स्टक हो चुके हैं और आपको किसी अच्छे साथी दोस्त की ज़रूरत है तो कोई अच्छे दोस्तों साथियों से आपको इस हफ़्ते में मदद मिल सकती है और आप अपने जो बिज़नेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये है कि ये हफ़्ता जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर हफ़्ता है। इसमें आपको जो है वो बहुत सारे ऐसे मामला जो आपके लिए परेशानी का बाइस बने हुए थे, आपके को मुखालफिन थे, को हासदीन थे, तो आज आप उन पर फतह आपको हासिल होती हुई नज़र आती है। वो लोग खुद अपने ही चालों में फंसते हुए नज़र आते हैं, आपको हर काम में जो है आसानी जो है वो मिलती हुई जाती है और वो लोग जो है तरक्की के बजाय नाकामी की तरफ जाते हुए जाएंगे, जो लोग आपसे जेलस होंगे और आपकी इज़्ज़त मरतबे और मुकाम में इस वीक में ख़ास तौर पर इजाफा होगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए कि आज आपको अपनी इस वीक में जो है सेहत के ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपनी वर्जिश के मामूल को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी परहेज़ जो है वो खाने पीने की परहेज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पेट के अमराज, कंधे के खिंचाव और सिर दर्द की शिकायत जो है वो कैप्रिकॉर्न वालों को पैदा हो सकती है। कोशिश करें अपनी खुराक जो है वो उसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है वो आप
कम करें तो आपके लिए जो जो है सेहत के मसाइल जो है वो के कम होंगे। और इसके अलावा जो है ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ़्ता जो है आप फाइनेंशियल आमदन के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। आपकी जो कारोबार है वो आपके अपने शहर से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी आपको बिजनेस और कारोबार मिलता हुआ नजर आता है। एक्वेरियस वालों के लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर होगी, वो तमाम अफराद जो स्टॉक से तलक रखते हैं, वो तमाम अफराद जो करेंसी में डील करते हैं, वो तमाम अफराद जो सोने में डील करते हैं, वो तमाम अफराद जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता जो है वो बेनिफिट लेने का हफ़्ता है। बहुत सारे केसेस में आपको बेनिफिट भरपूर मिलता हुआ नज़र आएगा। एक्वेरियस वालों के लिए एक ख़ास तौर पर इस हवाले से इस हफ़्ते में ख़ास तौर पर एक ये कि तब्दीली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी घर पे रह रहे हैं, आप अपना मकान शिफ्ट करना चाह रहे हैं, दुकान शिफ्ट करना चाह रहे हैं, दुकान की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, ऑफिस की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, घर की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो आज ये हफ़्ता आपके लिए बेहतरी का बायस है। पाइसिस वालों में, पाइसिस वालों के लिए ये है कि ये हफ़्ता आपको ख़ास तौर पर सफ़र के मामले में बहुत बेहतरी दे रहा है। जो वीज़ा और वर्क वीज़ा के हवाले से अगर आपकी कोशिश है तो आप उसमें कामयाब होंगे। आज इस हफ्ते में आपको कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं, कई नए दोस्तों का तावन मिल सकता है, कई नए दोस्तों की गुफ्तगू से आपको अच्छा कंपनी मिलती हुई नज़र आती है, आपकी मालूमात में इजाफा होगा और बहुत सारे ओवरसीज़ दोस्तों से भी आज मुलाकात आपकी हो सकती है। इस हफ्ते में आपको अच्छे दोस्तों का साथ जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये हफ्ते के हवाले से जो 16 से लेकर 23 जो है जुलाई तक का उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा था। अगर आप किसी किस्म का दिलचस्प खराब बनाना चाहते हैं, अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने बुरशारी के लोहे मुश्तरी लोहे तारत लोहे शम्स लोहे मरीख बनवाना चाहते हैं, सात तारों की लो बनवाना चाहते हैं, सात तारों 12 बुरजों की लो बनवाना चाहते हैं, सात तारों सात नगीनों की लो बनवाना चाहते हैं, तुम्हारे नंबर पे तब तक कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें ये हफ़्ता हमारी बेटी का पैसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।